इंडिया टीवी क्रिकेट में आप सबका स्वागत आप उफ, क्यों किया ये इसलिए किया क्योंकि मैं आईपीएल के बिडिंग को फॉलो कर रहा था और जिस तरीके से रॉकेट बना हुआ है ना बिडिंग प्रोसेस उसको देखकर तो सांसे फूल जा रही हैं और खुशी भी हो रही है गर्व भी हो रहा है कि दुनिया की जो है सबसे महंगी और सबसे सफल लीग में से एक होगी अमेरिका की एन जो है लगातार चर्चाओं में क्योंकि इससे महंगी लीग दुनिया में एक ही होगी जहां पर एक मैच के ज्यादा पैसे जो होते हैं वो कमाए जाते हैं अब महंगा होता है वो है एन अमेरिका की नेशनल yeah. फुटबॉल लीग जिसमें आप देखते हैं ना हेलमेट वेलमेट पहन के खेलते हैं वो वाली लीग है और उसके बाद आईपीएल है और आईपीएल में जो बिडिंग चल रही है अभी भी औपचारिक तौर पे टीम्स जो हैं कौन कौन सी है जो उनको आ, क्या बोलते हैं कब्जा जमा चुकी है नीलामी में अपने अपने राइट्स जो है वो पा चुकी है वो अभी तक औपचारिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं की गई है उसका इंतजार किया जा रहा है हालांकि हो सकता है बीसीसी अगले साल भी करे बीसीसीआई का कोई भरोसा नहीं है आजकल वो हो सकता है वो अच्छा। प्रेस प्रेस रिलीज जो है वो अगले साल भेजे वो बीसीसीआई थोड़ी धीमी हो गई है तो लेकिन इस वक्त जो जो अपडेट्स हैं वो आपको बता देते हैं और मेरे को लग रहा है कि मैं अगर गलत नहीं हूं करीब 105 करोड़ का एक मैच पड़ेगा डिजिटल और टीवी राइट्स में मिला के जिस लेवल पर जहां पर इस वक्त नीलामी है उसके मुताबिक कुछ ऐसा बता रहे हैं कि 18 के पास डिजिटल राइट्स जा चुके हैं है ना ऐसा ही कुछ है क्या अपडेट है अभिषेक बिल्कुल जैसे कि हम पिछले दो दिन से चर्चा कर रहे हैं कि आईपीएल पी एल के मीडिया राइट पे जो है बहुत बड़ी यहाँ पे खबर बनने वाली है और खबर बन चुकी है पांच करोड़ का एक मैच हाँ और ये बिल्कुल सही कह रहा है एक करोड़ आप समझ सकते हैं एक करोड़ में एक मैच अगर होता है तो वाकई में हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है पांच करोड़ जो है वो ब्रॉडकास्टर्स जो है वो बीसीसीआई को देगा बीसीसीआई को देगा बिल्कुल तो कुल कितने में पहुंच गया सर थोड़े आंकड़े आंकड़े बताए जो खबर आ रही है खबर आ रही है कि सोनी टीवी के पास जो है वो टीवी के राइट चले गए है ना ये लेकिन अभी तक जब तक औपचारिक तौर पे नहीं आता नहीं है सूत्रों के जरिए और वायकॉम एन के पास ये लगभग तय हो चुका है कि डिजिटल राइट जो है उन्होंने जीत लिया है बिल्कुल तो मैं बता दूं आपको चौवालीस हजार करोड़ में जो है पैकेज ए और बी जो है इसकी जो है नीलामी नीलामी जो है वो चल रही है चौवालीस हजार चौवाल करोड़ और आपको बताया दो हजार तेरह में एक मैच में कितना ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई को दे दी थी दो हजार तेरह में नहीं दो हजार आठ में जब शुरू हुआ था uh, उस टाइम तो तीन सौ चार सौ करोड़ के आसपास होगा हाँ नहीं तो एक मैच कितना कितने करोड़ रुपए जो थी बीसीसीआई को आपको पता आई IPL... कि एक मैच का कितना पैसा बीसीसीआई को मिलता था आ, सोनी देती थी लगभग से से करोड़ 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 के आसपास रुपए देती थी 2008 से अब तक ये 107 105 दो हजार ऐसी उछाल ना शेयर मार्केट ने देखी है ना रियल स्टेट ने देखी है किसी भी बिजनेस किसी भी धंधे ने इस तरीके की उछाल नहीं देखी है जो शायद क्रिकेट के इस प्रॉपर्टी ने देखी है बिल्कुल तो ये है कहानी यहां पर तीन सौ सौ करोड़ से आप आज जो है चौवाली हजार करोड़ तक पहुंच गए कमाल का जंप है ये बिल्कुल सिर्फ पंद्रह सोलह साल के अंदर और इसमें दो तरह के पैकेज है पैकेस साल भी नहीं हुए पैकेज तेईस हजार पांच सौ पचहत्तर करोड़ फिर से बताया मैं बीच में बोल रहा था हाँ तो ये चौवालीस हजार करोड़ में यहाँ पे जो है अभी मामला चल रहा है और लास्ट जो है वो चालीस चौवालीस हजार करोड़ तक तो पहुंच चुका है ऐसा लग रहा है कि चौवालीस हजार करोड़ आके बात जो है रुक गई है और इसके बाद जो है आपको बता दूं कि पैकेज ए में क्या आता है पैकेज ए में टीवी होता है टीवी के राइट्स होते हैं इसमें तो तेईस हजार पांच सौ पचहत्तर करोड़ के टीवी के राइट्स यहाँ पे जो है बेचे जाएंगे और पैकेज बी की अगर बात करूँ डिजिटल की तो उन्नीस करोड़ यहाँ पे डिजिटल के राइट्स यहाँ पे जो है बेचने का पूरा प्लान हो रहा है और ये पिछले या अगले पांच साल तक के लिए हैं तो आपको बता दूं कि एक मैच कितने का पड़ेगा अगर देखा जाए तो टीवी पे एक मैच सत्तावन पॉइंट पांच करोड़ का पड़ेगा और अगर डिजिटल में बात करूं तो 50 करोड़ का एक मैच पड़ेगा तो ज्यादा फर्क नहीं है सिर्फ दस परसेंट का, हाँ, परसें का डिजिटल का जो मार्केट है कि वो कब्जा जमाए ना रणनीति साफ लग रही है उन्होंने भले ही शुरुआत में जो है टीवी राइट के लिए बिड किया होगा अभिषेक लेकिन उसके बाद उनकी नजरें जो थी वो डिजिटल पे थी क्योंकि उनके पास जो उनका टेलीकॉम नेटवर्क जो है उनका वो बहुत जबरदस्त जबरदस्त और मतलब देश के कोने कोने तक और मतलब उसमें जो है वो जो उनका जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो गरीब से गरीब आदमी के हाथों में वो जो है आज की तारीख में जो किसी ने अगर आपको इंटरनेट की आदत लगाई है टेलीफोन में टीवी देखने की आदत लगाई है तो वो वाईकॉम के ग्रुप के टेलीकॉम नेटवर्क ने लगाई है बिल्कुल। तो उनका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये था कि पैसे भी कम और फायदा भी ज्यादा मुनाफा भी ज्यादा होगा 50 करोड़ में अभी नए नए बाजार में उतरे हैं और बिल्कुल इन्होंने शायद इसलिए रिस्क ना ले लो टीवी के लिए क्योंकि भाई टीवी का जो बाजार है वो वो बहुत सोनी हो गया स्टार हो गया इनके पास क्योंकि वो काफी लंबे समय से नहीं, लेकिन रहे हैं। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि डिजिटल में इनको ज्यादा मुनाफा दिख रहा है मुनाफा दिख रहा क्योंकि पचास करोड़ और सत्तावन करोड़ सिर्फ इतने का ही फर्क है लेकिन अगर आप देखो डिजिटल पे आप और हम कहीं जा रहे होते हैं गाड़ी में होते हैं बस में होते हैं ट्रेन में होते हैं हम अपने ऐप पे जो है वो मैच का मजा ले रहे होते हैं बिल्कुल हम हर चीज ऐप पे देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है सिर्फ ये मुंबई दिल्ली और कलकत्ता या बैंगलोर बड़ी सिटी नहीं छोटे से छोटे शहर में गांव कस्बों में भी जो है अब वो जो वायकॉम का जियो का जो नेटवर्क है टेलीकॉम नेटवर्क जो है एकदम मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जो है वो पूरी तरीके से फैला हुआ है तो मुझे लगता है कि डिजिटल पर बहुत जबरदस्त पैनी नजर थी उनकी और अब कई रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि वो डिजिटल पर ज्यादा जो थी ना लड़ाई होना पहले ही तय थी क्योंकि डिजिटल पर ज्यादा लड़ाई चल रही थी वायाकॉम भी चाहता था सोनी भी चाहता था और हॉटस्टार भी हौस्टार लेना चाहता, भी चाहता था।, था तो ये तीन बड़े प्लेयर्स जो थे ब्रॉडकास्टर्स के ये तीनों लेना चाहते थे और ये जंग जो है फिलहाल बता रहे हैं कि डिजिटल राइस पे तो ताजा लग चुका है डिजिटल राइज वायाकॉम एटीन को जो है मिल चुका है और इनके पास फीफा वर्ल्ड कप भी है इनके पास फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के और भी राइट्स हैं इनके इटालियन लीग के राइट है स्पेनिश लीग भी लाली रिपोर्ट्स रिपोर्ट आने के टीम के पास में आईपीएल के जो डिजिटल राइट्स राइट है वो जाने वाले हैं और सोनी के पास में जो है टीवी के, के राइट जाने वाले हैं तो ये दो बड़ी चीज यहां पे तो आपको जो है अपना चैनल लेकिन लेकिन ये जो हम चर्चा कर रहे थे कि आपको ऑन ग्राउंड अगर चीजें देखनी होगी फिर टीवी पे जाना पड़ेगा बिल्कुल। क्योंकि आपको यहां पर जो है मैदान से ये कोई शोज नहीं कर सकते कमेंटेटर्स भी आपके सोनी के ही होंगे है ना तो सारी चीजें जो है आपको फीड मिलेगी सिर्फ आप डिजिटल में उसको जाकर आपको देखना है तो आप जाके वाइकॉम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं तो वो मजा नहीं आएगा जो इस समय आ रहा था क्योंकि स्टार और हॉटस्टार जो थे एक ही प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म एक ही कंपनी के प्लेटफॉर्म एक ही कंपनी के दो अलग अलग प्लेटफॉर्म थे तो बड़ा मजा आ रहा था जो कि ग्राउंड के जो रिपोर्ट्स थे या सुनील गावस्कर भी कुछ मैदान में कुछ पिच रिपोर्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो सारी चीजें आपको डिजिटल में भी देखने को मिलती थी लेकिन अब वो नहीं मिलेगा अब मजा नहीं आएगा अब आप स्टूडियो डिस्कशन से सीधा मैदान में जाएंगे मैदान से फिर स्टूडियो में आएंगे लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो फिर आपको टीवी में जाना पड़ेगा अगर मैदान के अंदर की डिस्कशन एक्सपर्ट्स की बातें आप सुनना चाह रहे हो प्लेयर्स का पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसिस अगर आप सुनना चाह रहे हो, हो तो आपको डिजिटल में नहीं मिलने वाला है या प्री मैच आप प्रेस कॉन्फ्रेंसिस सुनना चाह रहे हो जब आप तो क्या होता है कि हॉटस्टार में क्या था कि आप मैच से पहले जो खिलाड़ी बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्टर्स क्योंकि एक ही कंपनी थी तो सब कुछ सुनने को मिल रहा था लेकिन अब जो है दोनों प्लेटफॉर्म जो है अलग अलग हो जाएंगे अगर वो सोनी के पास चले जाता है फाइनली और इधर अगर वाईकॉम के पास रह जाता है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में अब आपको देखना पड़ेगा और मुझे लगता है कि टीवी को बेनिफिट रहेगा कि

पोस्ट मैच के प्लेयर के इंटरेक्शन चीजें आपको डिजिटल में बीसीसीआई तो लेकिन 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 करेगी इसका अभी तक किसी को कुछ नहीं पता मैंने बहुतों को, पूछा। बिल्कुल। तो है किसी है। को कुछ पता नहीं है इस बारे में बीसीसीआई के अधिकारियों की बात कर रहा हूं उन्होंने कहा औपचारिक तौर पर कब तक बताएंगे हमें खुद नहीं पता है अभी क्योंकि अभी बिडिंग चल रही है इसमें कब बातें सारी फाइनल होंगी कब जाके वो साइन होगा बिल्कुल तो वो सारी बातों के लिए इंतजार करना पड़ेगा लेकिन फिलहाल एक मैच जो है करीब 105 करोड़ एक सौ तो एक सौ सात पॉइंट

हर मैच में करीब 115 करोड़ जो है वो अमीर हो जाएगी अमीर हो जाएगा हर मैच में 115 करोड़ उसके जेब में आ जाएंगे बिल्कुल हर और... एक आईपीएल मैच में बीसीसीआई के खाते में 115 करोड़ ऐड हो जाएंगे और, और एन, में हर साल चौरानवे चौहत्तर मैच है वो चौरानवे तक जाएंगे कहा जा रहा है चौरवे मैचेस तक पहुंचने वाले एक सौ करोड़ वो इस बार तो बहुत होमन अवे में बहुत सारे मैचेस सिंगल सिंगल हुए और ज्यादा दूर नहीं है एनएफएल भी एक करोड़ का एक मैच का लेता है दिखाने दस का पंद्रह करोड़ का ही रह गया, फर... गया। बिल्कुल इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर